अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्फा जीनोमिक्स। आज हम सेल बायोलॉजी का दूसरा लेक्चर प्रोसीड करेंगे, जिसमें हम बहुत सारी सेल की बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो पहले आते हैं सेल की बेसिक प्रॉपर्टीज़ की तरफ, कि सेल के बेसिकली क्या क्या खसूसियात हैं। व्हाट डज अ सेल पोजेस इन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर्म्स, फीचर्स। टुडे वी विल डिस्कस द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सेल। और उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी जब हम डिस्कस करेंगे, सेल्स आर द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। सेल एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि वो बेसिक यूनिट तो होते हैं लेकिन वो सिंपल नहीं होते, उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स होती है। क्योंकि नेचर में अगर आप देखेंगे, ह्यूमन बींग जो है वो एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, राइट। और इसी तरह कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं जिसमें मल्टीपल सेल्स होते हैं और मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, और मल्टीपल उनकी जो है उनकी परफॉर्मेंस भी उसके हिसाब से उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंगली वेरी करती है। अब सेल्स का जो सिस्टम है जितना कॉम्प्लेक्स होता है, इसका क्या मतलब है? सेल का सिस्टम जितना कॉम्प्लेक्स होता है वो उतना ही रेगुलर ऑर्गेनाइज होता है, उसमें उतनी ही कॉम्प्लेक्स रेगुलेशन जो होती है और उसमें उतनी ही टॉलरेंस ऑफ एरर्स होती है। हम सोचें कि एक चीज़ कॉम्प्लेक्स है तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो है एरर रेट होने के चांसेस ज़्यादा है, लेकिन सेल को अगर आप देखेंगे तो सेल के सबसे बेसिक प्रॉपर्टी यही है कि वो जितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स है उतना ही उसमें रेगुलेशन है। जितना वो कॉम्प्लेक्स है उतनी ही उसके अंदर प्रिसाइज मैकेनिज़म्स हैं, और जितनी ही उसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, नेचर में सेल के अंदर हमेशा जो है एरर रेट जो है वो कम होता जाता है। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे डीएनए की डुप्लीकेशन क्या है, दैट इज़ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। एक डीएनए के मॉलिक्यूल से दूसरा डीएनए स्ट्रैंड का बनना, दैट इज़ डीएनए रेप्लिकेशन। सिंपल, उसमें एक डीएनए स्ट्रैंड होता है और उसमें उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनता है, और उसके बाद जो है न्यूक्लियोटाइड्स की एडिशन के बाद दो स्ट्रैंड बन जाते हैं। इसी तरह ऑन एंड ऑन बहुत सारे स्ट्रैंड बनते जाएंगे, ठीक है। सो इसी तरह डीएनए की डुप्लीकेशन होती है, मगर ये बज़ाहिर हमें लगता है कि बहुत आसान सा प्रोसेस है, हालांकि ऐसा नहीं होता। ये एक इंतहाई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। सो ये डीएनए की डुप्लीकेशन का इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन नेचर में अगर देखा जाए तो डीएनए की डुप्लीकेशन के दौरान इसकी एग्जांपल आप यूँ ले सकते हैं कि इसमें एरर जो है लेस देन वन मिस्टेक पाई जाती है अगर हमने 10 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करें। डीएनए की डुप्लीकेशन के लिए न्यूक्लियोटाइड्स जब ऐड होते जाते हैं ड्यूरिंग द डीएनए डुप्लीकेशन, तो उसमें क्या होता है कि एरर के चांसेस बढ़ने चाहिए, लेकिन नेचर में इस एक मिस्टेक भी अगर हो जाती है तो नेचर में प्रूफ रीडिंग के इतने मैकेनिज्म हैं कि उसको हम कहते हैं रिपेयर मैकेनिज्म्स। खैर, उसकी डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे, लेकिन बेसिक आपको सिर्फ एग्जांपल ये देकर समझाया जा रहा है कि अगर सेल के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चीज़ें डिफरेंट भी हों, कॉम्प्लेक्स भी हों, डिफ़िकल्ट भी हों, तो उसमें एरर रेट बहुत कम होता है और वो उतना ही ऑर्गेनाइज होता है, उतनी ही उसमें कॉम्प्लेक्स रेगुलेशन होती है और उतने ही उसमें करेक्शन सिस्टम्स होते हैं। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर सेल की अपेयरेंस जो है वो कंसिस्टेंट होती है। जैसे अगर फ्लूइड जो इंटेस्टाइनल सेल्स होते हैं, जैसे गॉबलेट सेल्स हैं, वो आपके रेस्पिरेटरी एपिथेलियल लाइनिंग में भी होंगे, इंटेस्टाइनल लाइनिंग में भी होंगे, तो जहाँ जहाँ सेक्रेशन का मैकेनिज्म होगा तो वहाँ इस किस्म के सेल्स पाए जाएंगे। इसी तरह अगर मस्कुलर सेल्स होंगे, स्ट्राइटेड होंगे, स्ट्रिप्ट होंगे, या कार्डिक मसल्स होंगे तो वो लॉन्ग होंगे, एलोंगेटेड होंगे, राइट। तो उनका पर्पज़ क्या होगा? मूवमेंट का, ठीक। और इसी तरह जिस तरह के अगर सेल्स हैं, लेट से मैं बात करती हूँ रेड ब्लड सेल्स की, तो रेड ब्लड सेल्स आर ऑलवेज स्फेरिकल इन शेप, राइट। अब वो स्फेरिकल इन शेप क्यों होंगे? क्योंकि उनके फंक्शन के अकॉर्डिंगली, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स ने क्या फंक्शन परफॉर्म करना होता है? रेड ब्लड सेल्स ने ऑक्सीजन कैप्चर करनी होती है। चूँकि उन्होंने ऑक्सीजन कैप्चर करनी होती है, इसके लिए उनको लास्ट सरफेस एरिया ज़्यादा चाहिए होता है। इन अगर तो उस सेल की शेप अगर एलोंगेटेड होती तो वो ऑक्सीजन को कैप्चर नहीं कर सकता। और रेड ब्लड सेल्स के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ होती है जिससे जो है ऑक्सीजन कैप्चर होती है? दैट इज़ हीमोग्लोबिन। सो हीमोग्लोबिन की वजह से जो है रेड ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा कैरी की जाती है। वो पेशेंट जिनको सिकल सेल एनीमिया हो जाता है तो उनके रेड ब्लड सेल्स की क्या शेप हो जाती है? दैट इज़ सिकल इन शेप। सिकल कहते हैं दरांती, जो खेतों में किसान अक्सर यूज़ करते हैं फसलें काटने के लिए ना, तो उसमें क्या होता है? चांद की शक्ल की सिकल शेप।
तो अक्सर ये होता है कि जब सिकल सेल एनीमिया के जो पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि उनके सेल्स की शेप स्फेरिकल शेप से जो है वो सिकल शेप में आ जाते हैं, तो क्या होता है कि वो इनफ ऑक्सीजन जो उन्हें रिक्वायर्ड होता है वो उसको कैरी नहीं कर सकते। वंस उसको कैरी नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन की सर्कुलेशन बॉडी में नहीं जाती, इसलिए वो लोग एनीमिक हो जाते हैं। ठीक है, बेसिकली दैट इज़ एन हेरिडिटरी डिसऑर्डर। लेकिन द प्रोसेस बेसिक इस बात का बताने का मकसद ये था कि सेल की जो शेप है, उसकी जो प्रेजेंस है। अब रेड ब्लड सेल्स कहाँ होते हैं? रेड ब्लड सेल्स ब्लड में होते हैं, राइट? रेड ब्लड सेल्स आपको ब्रेन में नहीं मिलते, इंटेस्टाइन में नहीं मिलते, क्योंकि उनका फंक्शन ब्लड के अंदर है। ठीक है, इसलिए सेल्स जो हैं उनकी अपेयरेंस और उनकी प्रेजेंस और उनकी शेप उसके फंक्शन पे डिपेंडेंट है। ठीक है, कि उसने सेल ने कौन सा फंक्शन कहाँ पे परफॉर्म करना है। नेक्स्ट चीज़ जो आ जाती है कि सेल के अलावा सेल के जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनकी भी कॉम्पोजिशन मैक्रोमोलिक्यूल्स की, लाइक लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उन सब की कॉम्पोजिशन भी जो है दैट इज़ कंसिस्टेंट। ये नहीं होता कि एक सेल है तो उसके ऑर्गेनल जो है सबकी कॉम्पोजिशन जो है वो वेरी करती जाएगी। सेल टू सेल वेरी करेगी, लेकिन सेल के फंक्शन के अकॉर्डिंगली जो है दैट विल बी अ बिट डिफरेंट टू दैट, बट ऑलवेज इट विल बी कंसिस्टेंट इन कॉम्पोजिशन। सो इसी तरह जैसे ही सेल्स की डिफरेंट सेल्स का फंक्शन होता है, उनकी अपेयरेंस कंसिस्टेंट होती है, इसी तरह ऑर्गेनल्स भी जो होते हैं सेल की, उनकी जो है कॉम्पोजिशन जो है वो कंसिस्टेंट होती है। जैसे अगर हम बात करें न्यूरल सेल्स की या ब्रेन सेल्स की, तो उसमें क्या होता है कि माइलिन शीथ होती है, राइट? सो माइलिन शीथ इज़ बेसिकली मोर लिपिड काइंड ऑफ ए कॉन्टेंट, उसमें ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू द प्रोटीन। अब जैसे रेड ब्लड सेल्स की बात की जाए तो उसमें प्रोटीन का कॉन्टेंट इन कंपेरिजन टू द न्यूरोनल सेल्स उसमें ज़्यादा होगा। क्यों? बिकॉज दे नीड अ प्रोटीन टू कैरी दैट ऑक्सीजन, राइट? सो बेसिकली सेल्स के फंक्शन, सेल की शेप, सेल का स्ट्रक्चर, सेल की कॉम्पोजिशन, उस चीज़ पर बहुत देरी करती है कि सेल ने फंक्शन क्या परफॉर्म करना है और उसने आगे से कौन सा यूनिट जो है वो लेके चलना है। इसी तरह सेल की अगर दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ हम जाएँ तो सेल्स पोजेस अ जेनेटिक प्रोग्राम। अगर हम कहते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ऑर्गेनिज्म बगैर सेल के हो। हमेशा हर ऑर्गेनिज्म, एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ अ सेल, बिकॉज सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ, राइट? सो अगर हम कहते हैं अगर एक चीज़ सेल है, तो इसका मतलब है कि सेल के अंदर एक जेनेटिक प्रोग्राम लाजमी होगा। कोई भी सेल किसी भी जेनेटिक प्रोग्राम के रेगुलेशन के बगैर काम नहीं कर सकता। और सेल के अंदर जेनेटिक प्रोग्राम जो है रेगुलेट करता है वो, वी ऑल नो दैट इज़ द हेरिडिटरी मटेरियल, दैट इज़ द डीएनए। और डीएनए के अंदर से जो हमारे जीन्स हैं, बेसिकली दीज आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द डीएनए, ठीक है? और जीन्स के अंदर हमारी सारी इंफॉर्मेशन होती है, जिसको हम इन शॉर्ट ये भी कह सकते हैं इट इज़ अ स्टोरेज लॉकर ऑफ द इंफॉर्मेशन, ठीक है? कि सेल ने कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है, कब करना है, क्या करना है, उसके बेसिक उसकी एक्टिविटीज़ क्या होंगी, कि रिस्पिरेटरी सेल्स ने रिस्पिरेशन में ही काम करना है, न्यूरोनल सेल्स ने नर्वस कंडक्शन का ही काम करना है, ब्लड सेल्स का क्या काम है, इम्यून सेल्स का क्या काम है, फॉर एवरी काइंड ऑफ थिंग, एवरी काइंड ऑफ सेल्स देर इज़ अ बैकअप ऑफ कमांडिंग एक्टिविटीज़। पीछे से आपको कमांड मिलता है, कहाँ से मिलता है उसकी सारी इंफॉर्मेशन, कि सेल ने आगे जाके कौन सा काम करना है और किस तरह से करना है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है सेल के एक जेनेटिक प्रोग्राम में होती है। और जेनेटिक प्रोग्राम मैंने अभी आपको बताया कि दैट इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय द डीएनए एंड दैट इज़ द जीन्स। सो हमारे जीन्स के अंदर ये सारी स्टोरेज होती है कि आगे फर्दर हम सेल ने क्या प्रोग्राम, सेल ने आगे क्या परफॉर्म करना है, राइट? Now, the third point of the basic properties of the cell biology. Cells are capable of producing themselves. कोई भी सेल है अगर, तो मैं हम लोग ये चीज़ पहले भी सेल थ्योरी में हमने डिस्कस की थी कि ऑलवेज सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कभी भी सेल्स के अंदर एक स्पॉन्टेनियस उनकी जनरेशन नहीं होती, दे आर ऑलवेज अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसका मतलब ये भी है कि एक सेल डिवाइड करता है डिफरेंट सेल्स में।
जो सेल डिवाइड करता है उसको हम मदर सेल कहते हैं, और जो सेल्स डिवाइड हो जाते हैं उसको हम डॉटर सेल कहते हैं। होता ये है कि जब सेल डिवाइड होते हैं तो मदर सेल के अंदर जो उसका हेरिडिटरी मटेरियल है वो भी फेथफुली डिस्ट्रीब्यूशन होती है। फेथफुल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। एक डीएनए के स्ट्रैंड से दो डीएनए के स्ट्रैंड बन जाते हैं और उसके बाद जो है वो दो डॉटर सेल्स में इक्वली डिवाइड होते हैं। उसका साइटोप्लाज्म भी इक्वली डिवाइड होता है और उसके सेलुलर मटेरियल्स भी इक्वली फॉर्म होते हैं। ठीक, सो इसी तरह ये मदर सेल्स जो है वो दो डॉटर सेल्स में बनता है। तो जहाँ भी सेल्स होंगे तो सेल्स की हमेशा ये प्रॉपर्टी होगी कि वो हमेशा रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि सेल्स एक्वायर एंड यूटिलाइज एनर्जी। सेल्स की जहाँ भी मशीनरी होगी वहाँ एनर्जी प्रोड्यूस भी होगी और एनर्जी यूटिलाइज भी होगी, यानी कि ब्रेक डाउन भी होगी, सिंथेसिस भी होगी और ब्रेक डाउन भी होगी। एनर्जी यूजुअली किस फॉर्म में होती है? एटीपी की फॉर्म में। एटीपी दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, लेकिन अगर प्लांट्स की बात की जाए तो प्लांट्स में जो है वो कहाँ से एनर्जी एक्वायर करते हैं? प्लांट्स में मोस्टली जो है वो एनर्जी एक्वायर करते हैं दैट इज सनलाइट। और प्लांट्स में कौन सा प्रोसेस होता है? दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हम सब जानते हैं कि लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या होती है? बेसिकली द फॉर्मेशन ऑफ सुक्रोज और द स्टार्च, जो कि प्लांट्स में एज अ एनर्जी मॉलिक्यूल स्टोर होते हैं। नेक्स्ट इज दैट, उसके अलावा प्लांट्स के अंदर डिफरेंट किस्म की पिगमेंट्स होती हैं, जैसे क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए बी सी, और भी बहुत सारी पिगमेंट्स होती हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं और इन टर्न फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एंड देन वो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज एंड स्टार्च, वो बाद में सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए यूटिलाइज होती है। सो इसी तरह प्लांट्स में होता है। अगर ह्यूमंस की बात की जाए या एनिमल्स की बात की जाए तो ऑब्वियसली उसमें लाइट से कोई एनर्जी जनरेशन का मैकेनिज्म नहीं है। उसमें ऑलरेडी एनर्जी जनरेटेड फूड्स इनटेक है या हेटरोट्रॉफिक मोड है, लेकिन उसमें एनर्जी सेल को फिर भी चाहिए होती है। ठीक है, उसमें ऑटोट्रॉफी नहीं होती लेकिन एनर्जी फिर भी सेल्स को रिक्वायर्ड होती है। सो इन दैट केस क्या है, उसमें एनर्जी मिलती है और एनर्जी बेसिकली आपकी लिवर से मेटाबलाइज होके जो है वो बाकी बॉडी सेल्स में जाती है एंड मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, और आपके तमाम बॉडी सेल्स को जो है एटीपी मिलती है ताकि वो सेलुलर फंक्शंस परफॉर्म कर सकें। सो बेसिकली सेल्स का यही प्रोसेस है कि उसमें वेयर एंड टेयर होता रहता है, उसमें एनर्जी बनती है, एनर्जी टूटती है, लेकिन ये प्रोसेस इंटरकन्वर्टेबल है। एनर्जी बनेगी, बनती भी इसलिए क्योंकि उसको ब्रेक डाउन करना होता है। ब्रेक डाउन किस लिए करना होता है? ताकि सेलुलर की सारी एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म की जा सकें। सही, नेक्स्ट इज़ द पॉइंट दैट इज़ द सेल्स कैरी आउट वेरियस केमिकल्स रिएक्शंस। सेल्स इज़ अ काइंड ऑफ ए हब जहाँ पे सेल सारे के सारे जो है केमिकल रिएक्शंस होते हैं। किसी भी चीज़ के एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए आपके पास कोई वेसल होती है, कोई फ्लास्क होती है, कोई जगह होती है जहाँ पे सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। सेल के मोस्टली केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड इट एक्ट्स एज अ साइटोसोल एंड द काइंड ऑफ ए हब फॉर द केमिकल रिएक्शंस। सो व्हेन उसमें केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं तो उसके अंदर जो सेल का मेटाबॉलिज्म होता है दैट इज़ सेलुलर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, सेल्स कैरी आउट वेरियस केमिकल रिएक्शंस, और उसमें इसका मतलब दूसरा मतलब ये भी है कि सेल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, फोटोसिंथेसिस है, ब्रेक डाउन है, एनर्जी सिंथेसिस है, एनर्जी फॉर्मेशन है, रिप्रोडक्शन है, डिवीजन है, ये सब के सब भी सेल के अंदर होते हैं। दैट ऑल कम्स अंडर द वन अम्ब्रेला दैट इज मेटाबॉलिज्म, राइट। सो बेसिकली सेल के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेलुलर मेटाबॉलिज्म, विच इज ऑल्सो द सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस। यानी कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। ठीक, और इसको मोस्टली कौन कंट्रोल करता है? सेल के अंदर एंजाइम्स, क्योंकि सेल के अंदर स्पेसिफिक किस्म के एंजाइम्स होते हैं जो कि तमाम सेलुलर रिएक्शंस को प्रोसीड करते हैं, इसलिए सेल्स के अंदर ही केमिकल रिएक्शंस होते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट सेल्स एंगेज इन द मैकेनिकल एक्टिविटीज। अब सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स ने आना होता है, मॉलिक्यूल्स ने जाना होता है, देर इज़ अ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, देर इज़ अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ हैपनिंग अराउंड। सेल के अंदर बहुत सारी प्रोटीन्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, जिनकी एग्जिट है, जिनकी एंट्री है, जिनकी ब्रेकेज है, जिनकी मूवमेंट है, वो सब के सब कैसे हो रहे होते हैं? वो सेल के अंदर हो रहे होते हैं, और सेल जो है आपको इंगेज करता है मैकेनिकल एक्टिविटीज़ में, और उसमें के लिए स्पेशलाइज किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जिसको हम कहते हैं मोटर प्रोटीन्स।
अब मोटर प्रोटीन्स उनका नाम क्यों है कि विल डिस्कस दैट लेटर इन लेटर लेक्चर्स के व्हाट आर एक्चुअली द मोटर प्रोटीन्स एंड हाउ दे वर्क. लेकिन कभी आप सोचें कि कभी भी मैकेनिकल को जो काम करना होता है उसके लिए हमें किसी एक मोटर की ज़रूरत होती है, किसी एक पंप की ज़रूरत होती है. एक पानी को नीचे से लेवल से लेके ऊपर के लेवल तक चढ़ाना हो तो हम उसको ऐसे नहीं चढ़ा सकते जब तक हम उसके साथ मोटर एसोसिएट ना करें. तो यानी कि अगर सेल के अंदर मोटर प्रोटीन्स नहीं होंगी तो सेल वो मैकेनिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकता. तो इस देर आर स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ प्रोटीन्स इन द सेल दैट असिस्ट द सेल इन एंगेजिंग द मैकेनिकल एक्टिविटीज़ एंड दीज आर यूजली कॉल्ड एज द मोटर प्रोटीन्स. नेक्स्ट वन इज़ दैट सेल्स आर केपेबल टू रिस्पॉन्ड अ स्टिमुलाई. जो भी सेल होगा उसके अंदर रिसेप्टर्स होंगे या हॉर्मोन्स होंगे या बहुत सारे एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल्स होते हैं जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करते हैं. जैसे कुछ सेल्स होते हैं यूनिसेल प्रोटिस्ट होते हैं, वो जहाँ जहाँ न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वहाँ जाते हैं, जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते प्रोटिस्ट वहाँ से वापस आ जाते हैं. इसकी एग्जांपल आप देख लें यूग्लिना देख लें, यूग्लिना में मूवमेंट होती है. उसके अलावा डिफरेंट किस्म के ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं और डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं और कुछ ऐसे सिग्नल्स होते हैं जिसकी वजह से जो रिसेप्टर पर आते हैं और सेल अपनी उसको रिस्पॉन्ड करता है. जैसे डिफरेंट किस्म की मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो बाज़ोकात सेल की चेंज हो जाती हैं जिसके रिस्पॉन्स में सेल जो है अपने और फंक्शन परफॉर्म करता है. उसकी दूसरी एग्जांपल ये हो सकती है कि सेल एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है. लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक जगह पर न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं तो सेल उस जगह पर जाने की कोशिश करेगा जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स होंगे जस्ट इन केस ऑफ द प्रोटिस्ट. या मैं ये कहती हूँ कि कोई ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो लाइट सेंसिटिव है, जहाँ पे लाइट होगी वो वहाँ पे मूव नहीं करेगा, वो कोशिश करेगा कि वो डार्क की तरफ चला जाए. जहाँ पे डार्क होगा वो वहाँ पे मूव कर जाएगा. तो बेसिकली लाइट उसके लिए एक स्टिमुलस हो जाएगा. अब ये सारी चीज़ें सेल को कैसे पता कि मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है, उसके पास एक स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं. उसके बाद नेक्स्ट वन इज दैट सेकेंड लास्ट पॉइंट इज दैट सेल्स आर केपेबल ऑफ सेल्फ रेगुलेशन. सेल के अंदर एक सबसे अच्छी प्रॉपर्टी क्या है कि सेल जितना कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर उसकी रेगुलेशन के मैकेनिज्म भी उतने ही कॉम्प्लेक्स और मगर उतने ही प्रिसाइज हैं. यानी कि अगर सेल के अंदर कोई भी चीज़ मिसमैच हो रही हो, जैसे हमने डीएनए डुप्लीकेशन की बात की थी, डीएनए रेप्लिकेशन की बात करते हैं, एक छोटे से न्यूक्लियोटाइड की चेंज की वजह से प्यूरी म्यूटेशन आ जाती है, पूरे का पूरा डीएनए डिस्ट्रप्ट हो जाएगा. तो उससे क्या होगा कि पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म माल फंक्शन होगा. सो सेल क्या करता है कि उसके इतने ज़्यादा प्रूफ रीडिंग मैकेनिज़म्स होते हैं, रिपेयर मैकेनिज़म्स होते हैं कि वो अपने आप को ऑटो करेक्शन पे ले जाता है. और उससे क्या होता है, सेल अपनी जो जहाँ पे एरर्स आ रहे होते हैं उसकी करेक्शन कर देता है या उसको बैलेंस कर देता है किसी तरह नेचर में, ताकि जो है वो म्यूटेशन या वो चेंज या वो नॉर्मेलिटी जो है वो आगे ना जाए और जिससे जो है मैकेनिज़म जो है वो डिस्टर्ब ना हो. लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन इज़ दैट सेल्स एवॉल्व. जब भी सेल्स होंगे वो हमेशा एवॉल्व करें. सो सेल्स एवॉल्व, सेल्स के एवोल्यूशन के पॉइंट को हम इस तरह से देख सकते हैं कि जब ओरिजिन ऑफ लाइफ को स्टडी किया जाए तो सबसे पहले अगर लाइफ का ओरिजिन था तो वो प्रोकैरियोट से शुरू हुआ था सेल. और आज अब आप देख सकते हैं कि ह्यूमंस आर मेड अप ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स. बट लाइफ की ओरिजिनेशन की अगर बात की जाए और सेल की एवोल्यूशन की बात की जाए तो सेल्स के अंदर ग्रेजुअली जो है उसमें चेंजेस कैसे आए, प्रोकैरियोटिक सेल बना, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी डेवलपमेंट होती गई और उसमें एवोल्यूशन होती गई और उसके बाद जो है उसमें चेंजेस आती गई. तो सेल जो है बेसिकली वो पहले सिंगल सेलुलर होते थे, फिर वो मल्टी सेलुलर में चेंज हुए, फिर उसकी मेम्ब्रेन्स नहीं थी, मेम्ब्रेन्स बाउंड ऑर्गेनल्स बनना शुरू हुए. तो जैसे जैसे लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई तो सेल्स की एवोल्यूशन होती गई. तो सेल्स आज भी एवोल्यूट करते हैं. सो अगर हम इन सारे करेक्टरिस्टिक्स को समराइज़ करें कि सेल्स के हमने क्या क्या डिस्कस किया है कि एक सेल्स के बेसिक करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो सेल्स के बेसिक करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि सेल एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है. सेल इज़ अ कॉम्प्लेक्स बट येट एन ऑर्गेनाइज सिस्टम. कॉम्प्लेक्स है और हाईली ऑर्गेनाइज सिस्टम है. दूसरी बात ये कि सेल्स के अंदर हमेशा एक जेनेटिक प्रोग्राम होगा जो सेल को डायरेक्ट करता है व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, और दैट इज़ द स्टोरेज लॉकर ऑफ द इंफॉर्मेशन. तीसरी चीज़ जो हमने डिस्कस की थी, सेल्स आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग देम सेल्स. सेल्स जब भी होंगे वो रिप्रोड्यूस करेंगे. मदर सेल्स से हमेशा डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगे और वो आगे फर्दर प्रोजनी चलती जाएगी. नेक्स्ट चीज़ जो हमने चीज़ डिस्कस की थी कि सेल्स एक्वायर एंड यूटिलाइज एनर्जी. जब भी सेल्स होंगे, जहाँ भी होंगे, वो एनर्जी की सिंथेसिस भी करेंगे और एनर्जी को ब्रेक डाउन भी करेंगे. नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव डिस्कस इज दैट सेल्स कैरी आउट
वेरियस केमिकल रिएक्शंस, सेल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, जितने मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, वो सेल्स के अंदर होते हैं. उसके अलावा सेल्स जो है वो दे एंगेज इन मैकेनिकल एक्टिविटीज़ दैट वी हैव डिस्कस्ड, बिकॉज सेल्स हैव द स्पेशलाइज काइंड ऑफ मोटर प्रोटीन्स दैट हेल्प देम इन एंगेजिंग ऑफ मैकेनिकल एक्टिविटीज़, एंड सेल्स आर एबल टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. जैसे जैसे कोई स्टिमुलस आएगा, हीट है, न्यूट्रिएंट्स है, लाइट है, या कोई ग्रोथ फैक्टर्स हैं, दे आर स्टिमुलस फॉर द सेल्स, तो वो उसको लाजमी रिस्पॉन्ड करेंगे. नेक्स्ट ने वन इज़ द सेल इज़ केपेबल ऑफ सेल्फ रेगुलेशन, यानी कि सेल के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, कोई एरर्स होते हैं, तो सेल के अंदर अपने इतने रिपेयर मैकेनिज़म्स होते हैं, ऑटो करेक्टिंग सिस्टम्स होते हैं, जिससे जो है वो अपने आप को सेल्फ रेगुलेट कर लेता है, ताकि जो है एबनॉर्मेलिटीज़ प्रोड्यूस ना हों. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द सेल हैव द एबिलिटी टू एवॉल्व. जितने भी लिविंग सेल्स हैं उनके अंदर एवोल्यूशन की एबिलिटी हमेशा एग्जिस्ट करती है. सो दिस इज ऑल लॉन्ग फॉर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सेल्स. विल डिलीवर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.